लाइन्स क्लब ऑफ भागलपुर के द्वारा भागलपुर के नया बाजार स्थित हिंदुस्तान क्लब में भागदौड़ के कारण बीमारी से परेशान लोगों को बचाव को लेकर जीवन बदल ना जाए तो कहना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली एम्स के न्यूरो सर्जन डॉक्टर पीके झा के द्वारा लोगों के परेशानियों से बचने के उपाय बताए गए। इस दौरान एम्स के चिकित्सक ने बताया कि इस भागदौड़ की जिंदगी में लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, शुगर, बीपी, थायराइड या किसी न किसी बीमारी से परेशान रहते हैं और साइंस दिखाता है कि हमारी गलत सोच ही बीमारियों का काजल है। अगर हम खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो मन में अच्छा विचार पालें। कार्यक्रम के दौरान लायंस डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार, लायंस डॉक्टर सृष्टि अग्रवाल, लायंस ज्योति पुंज मेहरोत्रा, लायंस डॉक्टर पंकज टंडन, लायंस कुंज बिहारी झुंझुनवाला सहित बड़ी संख्या में लायंस क्लब के अधिकारी और मेंबर सदस्य मौजूद थे। पावर्ड बाय मम्मी किचन, इंडियाज़ बिगेस्ट मल्टी प्रीमियम ब्रांड ऑफ फूड डिलीवरी। श्री इवेंट, अ कंप्लीट इवेंट प्लानर। बीमारियां हैं, उनसे आप पहले ही सावधान हो जाएं। और उस सावधान होने के लिए आपको क्या करना है, ये बातें उन्होंने हमें बताई। बड़ा प्रभावित हुआ मैं उनसे, लेकिन वह चूंकि सितंबर अक्टूबर का समय था, वह समय बहुत माहौल वैसा नहीं था, माहौल नहीं था वैसा कि इनका हम लोग कार्यक्रम करा सके, लेकिन मन में एक लालसा और एक जिज्ञासा हमेशा बनी रही कि किसी तरह इनका कार्यक्रम हमारे यहाँ हो जाए। और लायंस क्लब ऑफ भागलपुर द्वारा, भागलपुर में जितनी लायंस क्लब है सबों के सहयोग से हमारे कन्वेनर खास करके ज्योति पुंज मेहरोत्रा की अथक प्रयास और मेहनत से आज यह कार्यक्रम सफल हो रहा है। और मुझे यह जो सौभाग्य मिला है डॉक्टर साहब का परिचय देने का, तो मैं तो यही कहूंगा कि डॉक्टर साहब कोई परिचय के मोहताज थोड़े ही हैं। डॉक्टर साहब का जो काम है वह काम अपने आप में इनका परिचय है। मैं तो केवल इनकी एकाध खूबियां बताना चाहता हूं कि भागलपुर के सबौर कॉलेज से इन्होंने अध्यापन किया, सहरसा में इनका जन्म हुआ 1967 में, और उसके बाद TNB कॉलेज से पढ़ करके और MBBS PMCH पटना से करके, MS जयपुर से करके ये एम्स न्यू दिल्ली में डायरेक्टर न्यूरोसर्जरी धर्मशिला हॉस्पिटल यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा में अपनी सेवा दे चुके हैं। अब बताइए, इतनी अच्छी जगहों पर इतने अच्छे रूप निर्देशक के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद भागलपुर ये आ गए उतने अच्छे अच्छे विकल्प को छोड़ करके। तो यहाँ मुझे चार लाइनें याद आती है एक महान कवि की कि जिस पर गिरकर उधर दरी से तूने जन्म लिया है और जिसका खाकर अन्न सुधासन नीर समीर पिया है, वह ममता मई दया की मूर्ति माता तुल्य यही है, जिसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। तो इन बातों का जो इनके मन में उबाल आया कि हमें अपनी मातृभूमि के प्रति अब कुछ हमारा कर्तव्य शेष है वह मुझे निभाना है, और उस दृष्टिकोण से ये भागलपुर आकर के अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। और एक खास बात यह है कि एक ऐसी सेवा प्रदान कर रहे हैं जो एक डॉक्टर के दिल में, आजकल डॉक्टर लोग जो होते हैं पैसे से अपना पैसा, मतलब कहना नहीं चाहिए मुझे, पैसा कमाना उनका मूल उद्देश्य होता है, लेकिन आप डॉक्टरी पैसे में रह करके डॉक्टर का जो दिल होता है, जिसे हम पृथ्वी पर इंसान, पृथ्वी पर भगवान समझते हैं, इंसान के रूप में भगवान समझते हैं और भगवान का रूप होता है, वो भावना इनके मन में है कि आप डॉक्टर के यहाँ जाए नहीं, आप डॉक्टर के यहाँ जाने के पहले ही इतने सतर्क हो जाएं। तो उसके लिए इनके मन में जो क्रांतिकारी विचार है, जो इनके इनकी शिक्षा है, वो आज आपके सामने ये प्रस्तुत करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनके बारे में यही बता सकता हूँ कि ये अपने कार्यों के अलावा राइटिंग, सिंगिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आज लायंस क्लब भागलपुर के द्वारा जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है उसका मकसद है कि बिना दवाइयों के हम किसी व्यक्ति में विचारों से कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, उसे खुशी दे सकते हैं। इसके लिए हम लोग का लायंस क्लब भागलपुर डॉक्टर पीके झा, जो एम्स से में पहले थे,
उनके द्वारा एक कार्यक्रम कराया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आज की भागदौड़ की जिंदगी में हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे शुगर है, या पैरों में आज दर्द या किसी भी प्रकार की बीमारी है, उसका सोच है हमारा गलत सोच। हम गलत सोचते हैं, हमारा खान पान गलत है, हमारी व्यवस्थाएं गलत हैं, और उसके कारण हमें एक ये बीमारी झेलना पड़ता है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी खुशी का पल आता है, कभी दुखी का पल आता है, लेकिन अगर वो विचारों में परिवर्तन कर ले, अगर सही मार्ग से अपनाए, तथ्यों का कहना का मतलब है खान पान को सही कर दे, विचारों को सही रखे, उसकी सोच अगर पॉजिटिव होगी तो उसके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आएगा और ये इन प्रकार की बीमारियों से वो ग्रस्त नहीं होगा। जो तूफानों में किनारों तक पहुंचा दे, ऐसी अब कोई कश्तियां नहीं मिलती, गम को गले में लगाकर खुशी बांटे, ऐसी जादू की छप्पियां भी अब नहीं मिलती। खुद के लिए जूझने वाले इस जहां में कहां हैं, एक ढूंढो तो हजारों मिल जाते हैं। दूसरों की खुशी के लिए जूझने वाली अब आप जैसी हस्तियां कहां मिलती हैं, ऐसे लोग ही जिंदगी में खुशी लाते हैं और हम लोग ऐसे लोगों को की सेवा करने के लिए लायंस क्लब हमेशा तत्पर रहते हैं और हमारा उद्देश्य ही है किसी के जीवन में मुस्कुराहट लाना। मैं लाइन डॉक्टर पंकज टंडन, जनसंपर्क पदाधिकारी लायंस क्लब भागलपुर, GMT कोऑर्डिनेटर लायंस इंटरनेशनल। ऐसे ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।